अगर आप भी लूना क्लासिक होल्ड रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। तो फाइनली लूना क्लासिक का कैसा प्रपोजल अप्रूव हो चुका है जिससे क्या कि डेफिनेटली लूना क्लासिक का प्राइस $1 तक पहुंच सकता है। लूना के अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें जो नया लूना है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, हालाँकि उसकी वैल्यू लगभग 50 सेंट या फिर इससे नीचे ही रहती है। एंड एज कम्पेयर टू लूना, लूना क्लासिक में हमें ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड रहता है हमेशा, क्योंकि इसमें जब भी पंप आता है तो बहुत ही बड़ा पंप आ जाता है। एंड लास्ट टाइम आपने देखा होगा USTC यानी कि जो एक स्टेबल कॉइन था टेरा का, तो उसमें भी हमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला था। तो मार्केट बुलिश है जिसकी वजह से क्या है कि अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं और ये जो तीनों के तीनों कॉइन्स हैं हमें अच्छा प्रॉफिट भी दे सकते हैं। हालांकि एक समय पे तीनों प्रोजेक्ट्स डेड हो चुके थे, लेकिन अभी इनमें ऐसा लग रहा है कि शायद जान अभी भी बाकी है और हमें अच्छा प्रॉफिट देकर ही जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी इसे लाइक कर दो। वॉल्फ ट्रेड पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे मैं सारी अपडेट सबसे पहले डालता हूँ। एंड ऑलरेडी वहाँ पे मैंने एक अपडेट डाला हुआ है CDFI के ऊपर, रियूनी कॉइन आ रहा है। तो रियून टर्मिनल का रियूनी के नाम से आपको कॉइन दिखेगा जिसका IDO आने वाले CDFI के ऊपर और इसमें बहुत ही बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। तो चलते हैं अभी मेन इनके जो डेवलपर्स और इनवैलिडेटर्स हैं, कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जिनके द्वारा कुछ ना कुछ हमेशा प्रपोजल्स डाले जाते हैं। अभी टैक्स टू गैस का एक प्रपोजल था जिसमें कहता था कि टैक्स टू गैस को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रपोजल डाला गया था, जिसकी जो वोट्स आई हैं वो 75% से भी ज़्यादा अप्रूवल में ही आई हैं, यानी कि इसको पास करने की इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल होने वाली है। तो ये जो प्रपोजल है फाइनली पास होने वाला है, तो इसमें क्या होने वाला है थोड़ा डिटेल में अभी बात करेंगे। तो जेनुइन लैब्स है, ऐसे काफ़ी सारे और भी डेवलपर्स रहते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे प्रपोजल्स डालते हैं जिससे क्या है कि जनरली एक ही बात ज़्यादा करी जाती है कि जो सप्लाई है लूना क्लासिक की उसको किसी ना किसी तरीके से कम किया जाए। अब लूना क्लासिक की एक्चुअल में सप्लाई कितनी है ये भी आप देख लो, 5.5 ट्रिलियन LUNC सर्कुलेटिंग सप्लाई है और इसका अभी जो मार्केट कैप अगर हम देखते हैं तो वो $622 मिलियन के आसपास है, यानी कि इसका मतलब ये भी है कि होल्डर्स भी काफ़ी सारे हैं लूना क्लासिक के। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें जो बाइनेंस के ऊपर इनकी जो टोटल वॉल्यूम है वो लगभग 40% वॉल्यूम लूना क्लासिक की बाइनेंस के ऊपर ही पड़ी है। तो बाइनेंस रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ बर्न करता रहता है। इसी के साथ अगर हम लूना क्लासिक की खुद की बात करें, इसकी जो डेवलपर्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो ये कि इसकी सप्लाई को कम किया जाए। अभी आपको इतनी बड़ी सप्लाई जो दिखाई है, अगर ये सप्लाई यहाँ से 2-3 जीरोस कम भी होती है तब भी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से डिमांड क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा लिमिटेड है या फिर होल्डर्स ऑलरेडी काफ़ी सारे हैं, डिमांड लिमिटेड की वजह से अगर सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, सप्लाई कम होने के साथ साथ प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ने वाला है। यही कारण है कि हमेशा एनी हाउ कुछ ना कुछ तरीके से प्रपोजल्स लाए जाते हैं जिससे क्या कि जो लूना क्लासिक की सप्लाई है उसको कम किया जाए। तो अभी जो लेटेस्ट या फिर जेनुइन लैब्स के द्वारा जो मोस्ट रिसेंट प्रपोजल डाला गया था वो था टैक्स टू गैस, जो कि गवर्नेंस वोटिंग करवाएगी जिसकी। इस प्रपोजल में क्या है कि जो सेपरेट हैंडलिंग है या फिर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स है ये बहुत बड़ा इशू रहता है। इस प्रपोजल के द्वारा क्या था कि इस चीज़ को रिमूव किया जाएगा। अब टैक्स टू गैस से क्या होगा कि जो टैक्स रहने वाला है ये गैस में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। इससे जो कम्प्लेक्सिटीज रहती हैं डैप डेवलपर्स के लिए उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसानी हो जाएगी, यानी कि बहुत ही आसान हो जाएगा, टैक्स अपने आप ही कट जाएगा गैस की फॉर्म में। अब इसके ऊपर जो डिस्कशन चलती है वो चलती है कि 1.2% के आसपास बर्न टैक्स लगाया जाए जिससे क्या है कि इसकी सप्लाई बहुत तेज़ी से कम हो सकती है। तो ये जो नया प्रपोजल था इसमें लगभग 75% यस आया था और लगभग 25% चाहते थे कि टैक्स टू गैस इंप्लीमेंट ना किया जाए, यानी कि ज़्यादातर जो वोटिंग आई है वो फेवर में ही आई है। तो इसमें बड़े बड़े जो वैलिडेटर्स हैं वो भी हैं, जिसमें इंटरस्टेलर लॉन्च हैं, जिस लॉर्ड, स्टेकली, हैप्पी कैटी क्रिप्टो, स्टेक बीन, ऐसे काफ़ी सारे बड़े वैलिडेटर्स हैं जिन्होंने इस प्रपोजल को सपोर्ट किया है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी देखने वाली है कि जो टेरा क्लासिक के लूना क्लासिक के जो वैलिडेटर्स जिन्होंने रिजेक्ट किया था उनका मानना ये है कि शायद इससे कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। लेकिन ये सच है कि अगर बाइनेंस भी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर रहेगी जिससे क्या कि सप्लाई कम हो सकती है, सप्लाई कम होगी तो डेफिनेटली उसी से प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई है ही काफ़ी ज़्यादा। इतनी ज़्यादा सप्लाई अगर धीरे धीरे कम होती है तो कुछ समय लगेगा लेकिन प्राइस ज़रूर बढ़ेगा और प्रोजेक्ट स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे लगभग $25,000 का बजट है जो कि जेनुइन लैब्स के द्वारा इसके ऊपर रिसर्च करी जाएगी, डेवलपमेंट करी जाएगी और टेस्टिंग करके ये डिप्लॉय करने वाले हैं और ये पूरा का पूरा काम लगभग 5 हफ्तों में होने वाला है। आई होप कि ये जल्दी शुरू कर देंगे, अगर शुरू कर देते हैं तो बहुत ही जल्द क्या है कि हमें एक बढ़िया प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि LUNC अभी क्या कि बिल्कुल मीम कॉइन की तरह दिखता है, लेकिन आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट बेटर हो जाएगा, इसके ऊपर डेवलपमेंट्स काफ़ी सारे होंगे, इसके ऊपर डैप्स भी बिल्ड किए जाएंगे। अब इसका इंपैक्ट हमें लूना के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, टेरा लूना जो नया लूना है।
हालांकि इसके इससे मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा थी कि शायद जो नया लूना अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन इसमें कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आज तक देखने को मिली नहीं है। उससे ज़्यादा अच्छा तो USTC जो कि एक समय पे स्टेबल कॉइन था लेकिन आज भी अच्छा प्रॉफिट देकर जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें उम्मीद है वो LUNC से और USTC से है, क्योंकि इनमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। जो लूना है इसमें चाहे डेवलपमेंट चल रही हैं लेकिन फिर भी इसमें कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि जो पब्लिक है इन या फिर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो ट्रस्ट है वो अभी इतना ज़्यादा लूना के ऊपर नहीं रहा है। लेकिन लूना क्लासिक के जो होल्डर्स हैं या फिर जो USTC के होल्डर हैं वो अभी भी इस वेट में है कि एक समय आएगा जब इसका प्राइस बढ़ेगा। बाकी देखा जाए तो लूना भी कोई शांत नहीं बैठा है, यानी कि जो मेन प्रोजेक्ट है टेरा का, तो उसमें भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हमेशा चलती रहती हैं। आप अगर ट्विटर ट्रैक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ इनकी इंटीग्रेशन एंड इनके जो इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं वो हमेशा एक्टिव ही रहते हैं। तो अगर आपको कोई और डाउट है या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी कॉइन के बारे में, चाहे लूना के बारे में या और भी कोई मीम कॉइन हो सकता है या कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, नीचे कमेंट करो। मैं जल्दी अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वॉल्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।